रेडी 1 2 3 गो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है 19 दिसंबर 2022 एंड मैं हूँ फिलहाल देहरादून में। यहाँ पे बर्थडे पार्टी थी एक्चुअली, तो फिलहाल हम कर रहे हैं सरकुंडा का प्लान। ऑलरेडी प्लान हो चुका है, 8 बज चुके हैं सुबह के और सभी ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा बैग ये रहा एंड मैं बातिंग करके चाय वाय पी के सब तैयार है, तो अभी और बाकी सब नहा रहे हैं। तो सरकुंडा यहाँ से है लगभग 118 और 120 किलोमीटर और हम जाएंगे बाइक पे। बाबू भैया हमारे साथ हैं, तो चलिए सबसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे एक और मित्र जो हमारे साथ जाएंगे, मिस्टर तरुण फ्रॉम तकीपुर। हेलो गाइस। फिर दो दीपक एंड अनुज, तो कुछ आप कहना चाहोगे एक दो शब्द? हमारा जाना कैंसिल था पर हम रेडी रेडी है, ठीक है। तो गाइस ये रहे मिस्टर आकाश, अकेले अकेले है भैया। तो ऊपर है, उनका इंट्रोडक्शन में बाद में कराऊंगा, फिलहाल हम देख रहे हैं क्या बन रही है। चाय, मेरी वाइफ चाय बना रही है भाई हमारे लिए। तो हम सरकुंडा टेंपल जा रहे हैं आज। तो ये रहे हमारे बाबू भैया, फाइनल मेंबर फॉर द ट्रेवलिंग। तो अभी हम जा रहे हैं, बस कुछ कहना चाहोगे? एक्साइटमेंट है कुछ या नॉर्मल है? बहुत ज़्यादा है एक्साइटमेंट, हाँ बहुत कुछ चिल प्लेस है ना, एक्सपीरियंस, हाँ नया एक्सपीरियंस होगा, देख लेंगे। जा रहे हैं ना, वहाँ पे अभी तक -3 टेम्परेचर हम देख रहे थे और अभी -2 हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप बराबर में देख ही रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड विद बाबू कि देखते हैं भाई कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है एंड मैक्सिमम है 8 या 9। तो बाकी मिलते हैं अभी रास्ते में, ऑलमोस्ट सब तैयार हैं, अभी निकलने ही वाले हैं, बस 8:30 हो चुके हैं। सुआखोली, ये जगह का नाम है सुआखोली और यहाँ से हम देख सकते हैं बर्फबारी की जो भी घटनाएं आप सामने देख पा रहे हैं। सुआखोली कहाँ है ये रहा, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। व्यू एकदम से मस्त एंड हम रुके हैं यहाँ पे बेस्ट व्यू के लिए एंड टी ब्रेक के लिए। बेस्ट व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्नो बहुत सारी पड़ी है पहाड़ों पर, जीप तत्ला रही है, मस्त लोकेशन है। और अभी हम चाय पियेंगे यहाँ पे। लगभग हम आ चुके हैं 40 से 45 किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो चाय हमारी इस बैग में पैक है, अभी निकालेंगे एंड पिएंगे। हमको स्नो मिल चुकी है पाले के रूप में, आप ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ये सब स्नो है। बाबू भैया को हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं यहाँ की स्नो, स्नो नहीं है पाला है। तो आप इसको टच कीजिए और नमस्कारम कर दीजिए, बहुत हार्ड है ना। और हमारा गैंग वहाँ पे खड़ा है एंड यहाँ से व्यू आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, भयंकर वाला व्यू है ये। तो अभी ट्रेलर है, जब मंदिर में जाएंगे वहाँ से तो और खतरनाक व्यू दिखेगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड नाउ, सो लेट्स सी मोर व्यूज। तो गाइस मजबूरी बन चुकी है ऐसा गेटअप करने की,
हालत ख़राब हो चुकी है। डनोल्टी से हम 5-6 किलोमीटर पहले हैं। ठंड की तो बात मत पूछिए, अभी आपने पीछे देखा ही, पाला जमा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं और भाप बहुत बन रही है। महल तोड़ने वाले बन चुके हैं हम, अभी आगे जाके महल तोड़ेंगे। ये देखो स्नो दिख रहा है, स्नो। सरकुंडा 1 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से, ये ऊपर सरकुंडा है, यहाँ पे मैं जाना है अभी। हेलो गाइस, सो फाइनल हम पहुंच चुके हैं सरकुंडा, यहाँ से रास्ता ये ऊपर जा रहा है। हालांकि मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ उसके ऊपर, अभी आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तब हम फैमिली के साथ आए थे एंड इधर हमने चाय पानी का इंतज़ाम किया था अपना। ये जगह हमारे लिए कोई नई नहीं है, बाबू भैया के लिए बहुत नई जगह है। सो वी आर नॉट दैट मच एक्साइटेड, बट एक्साइटेड फॉर व्यू। अभी चलते हैं, पैदल का रास्ता है, देखते हैं। रोप वे भी ले सकते हैं डिपेंड ऑन कंडीशन। तो अभी हम मिलेंगे आके जाके आपको। दोस्तों चढ़ाई शुरू भी नहीं हुई और हम थक चुके हैं। लेट्स सी कि हम रोप वे का इस्तेमाल करेंगे या पैदल जाएंगे, देखेंगे, देख लेंगे। तो गाइस 205 रुपये पर टिकट बनता है, 205 रुपये अप डाउन के लिए। एंड आप फ़ोन पे गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड अवेलेबल है ना। तो अप डाउन का 205 रुपये। तो दोस्तों ये रहा सुरकुंडा देवी मंदिर के बारे में, आप वीडियो रोक के जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रोप वे की फैसिलिटी, जब हम पहले कभी आए थे ना तब इसका निर्माण हो ही रहा था, इन प्रोग्रेस था। तो इसका किराया है 205 रुपये पर हेड अप एंड डाउन, थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से टिकट अवेलेबल है। एंड वो ट्रॉली ऊपर जा रही है सीधा मंदिर पे। और इसी के साथ साथ जो है कुछ और जानकारी यहाँ पे दे रखी है उत्तराखंड टूरिज्म ने, ये देख सकते हैं 2750 मीटर ऊँचाई है। हालत ख़राब है दोस्तों, अगर आप यहाँ हैं तो स्टेमिना बना के आए, दो पग धरते और सांस फूलने लग जाती है। तो अभी हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर, शॉर्टकट का सोच रहे हैं, देखते हैं कितना कामयाब रहेगा। हालत ख़राब होने ही वाली है, तो चलिए चलते हैं शॉर्टकट से, ट्राई करते हैं। भाई मारो, कोई मुझे मारो, हालत ख़राब भाई साहब। देखो वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं और काफ़ी ऊंचा और है, अभी चलते हैं धीरे धीरे। सांसें सभी के फूली हुए बुरी तरह, शॉर्टकट रास्ता हम अपना रहे हैं। हालत ख़राब, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं दिखा सकता और नहीं कह सकता। हालत ये है, चढ़ते चढ़ते टाइम हालत ऐसी हो रही है। 5 पग रखो, 20 मिनट रेस्ट, बहुत ही हालत। तो गाइज गिरते पड़ते रुकते रकाते आराम करते हुए हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं, अभी बस 1-2 घूम और है और फाइनली हम पहुंच जाएंगे मंदिर में, बहुत खुशी वाली बात है। तो इस नाम पे तालियां और लाइक होना चाहिए है। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पहुंच गए हम। ये देखो जी, जो रोप वे का फाइनल ये स्टॉप है, यहाँ पर पहुँच गए हैं लगभग, बस ये 2-4 घूम जा के ऊपर मंदिर है। चलो आपको मंदिर में मिलते हैं सीधा, अब हालत ख़राब हो रही है बार बार। व्यू वगैरह सब आपको वहीं से दिखेगा, मस्त वाला एकदम रिलैक्स मूड में सिनेमैटिक सीन वगैरह सब दिखेगा वहीं से, है ना। अभी बस चलते हैं, सामने मंदिर रहा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ सरकुंडा के गेट पर, यहाँ पर जूते वगैरह हमने निकाल दिए हैं, फ्री सर्विस है, कोई चार्ज नहीं है, खाली पैर हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आप अपने हाथ धोइए एंड सीधा मंदिर में एंट्री ले लीजिए, घंटी वगैरह आपको बजानी है बजा लीजिएगा। लाओ जी हाथ धुला दो हमारे भी थोड़क से, तो जी बहुत कम है, तो बहुत जी बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, सो लेट्स गो इनसाइड,
विल टेक सम रेस्ट एंड देन शो यू द एंटायर थिंग। ओके गाइस, तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सरगुंदा टेंपल में। तो अब यहाँ पे कुछ इनका सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है और ढोल बज रहा है, ये काफ़ी देर से बज रहा है। और जो भी यहाँ के लोकल्स हैं वो अपना जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया है कि अधिकतर जो भी न्यू मैरिड कपल्स होते हैं वो आते हैं, उनका देवता है एक्चुअली, जैसे हमारा शाकुंभरी देवी पड़ता है, ऐसे ही यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनका पड़ता है ये सरगुंदा माता। तो वो यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। एंड फिलहाल ठीक ठाक भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं कह सकते और कम भीड़ भी नहीं कह सकते। तो मेन मंदिर ये है, आप सामने देख पा रहे हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको बाहर से इसको दिखा देता हूँ। अभी हम इधर भी चलेंगे, इधर से टॉप व्यू मिलता है बहुत अच्छा। एंड फिलहाल हम चलते हैं अपने साथियों के पास, हमारे साथी बैठे हैं कहीं यहीं पे, ये रहे, यह है मिस्टर आकाश और मिस्टर दीपक यहाँ पे है टेकिंग रेस्ट, और बाकी हमारी फौज उधर है। तो चलिए मिलाते हैं एंड उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कुछ भयंकर वाले व्यूज़ जो कि अभी हम देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, बहुत चिल्ड है, यहाँ पे छाँव है तो बहुत ज़्यादा चिल्ड है, धूप है तो नॉर्मल है। ओके, मंदिर यहाँ पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन प्लेस है, शांत प्लेस है, एकदम शांत। ये रहा हमारा गैंग यहाँ पे, अनुज बाबू तरुण, मस्त वाला व्यू है एकदम से गजब। हम यहाँ पे आई थिंक थर्ड टाइम आ रहा हूँ मैं अब की बार, और एज यूजुअल आकाश शुरू हो चुके हैं, तो एक फाइनल बार यहाँ भी हो जाए सरकुंडा माता के चरणों में। वीडियो वो तो हल्का फुल्का वार चल रहा है, थोड़ी गर्मी लाई जा रही है अंदर क्योंकि ठंड काफी बढ़ चुकी है। ये 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 तो भयंकर वार शुरू होने वाला है, नहीं हुआ है। एंड ये देखिए यहाँ पे, अभी दिखाऊंगा आपको नजदीक जाके, और इधर का व्यू कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ पे लगभग 12:30-1 बजे पहुँचे थे, अभी आधा घंटा ही हुआ है हमको ऑलमोस्ट। अभी उधर जाके 2-4 व्यू लेंगे एंड देन उसके बाद हम खाना पीना करेंगे, भूख लग चुकी है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है हिमालय श्रेणी है, जो आप ये देख रहे हैं हिमालय श्रेणी, एक गंगोत्री की साइड वाला एरिया है, काफ़ी अच्छा व्यू आप देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करता तो काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, ये पहाड़ियों की चोटियों पे जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, भयंकर वाली बर्फ़। ये देखिए काफ़ी दूर तक हम बर्फ़ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तो यही है दिखाने के लिए, ये मंदिर है, उधर से व्यू दिखेगा आपको सामने से, इधर से व्यू मैंने आपको दिखाई दिया जो आपने देखा है। अभी हम जाएंगे नीचे की साइड, नीचे की साइड क्या है मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, एक और व्यू जब हम वहाँ पे जाएंगे तो और दिखाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है खाने पीने का सामान सारा है, चाय है एंड रेसिपीज है एंड क्या बोलते हैं इनको, एप्पल वगैरह है, तो हम उधर जाके इनको खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मंदिर है, मंदिर में अच्छा नहीं होता ऐसे खाना। तो हम पीछे जाके इसको खा के निपटा फिपटा के बैग हल्के करके फिर आएंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। अभी मैं आपको और मंदिर दिखा देता हूँ। थोड़ा गले में ना खांसी आती है जब बोलते रहता हूँ ना, बोलते बोलते तो खांसी का प्रकोप आने लगता है तो मुझे थोड़ा सा चुप होना पड़ेगा। तो ये जा रहा है बैक रास्ता, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये सारे मंदिर है यहाँ पे, इधर भी मंदिर है और मेन मंदिर तो ये सामने आप देख ही पा रहे हैं। एंड यहाँ से हम ट्राई करते हैं आपको एक और व्यू देने का। बंदर मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पा रहा हूँ कि मंकी वगैरह नहीं दिख रहे हैं, बाकी ये बैक साइड है इधर ना, हम जाएंगे वहाँ पे सामने खाना पीना करने के लिए और सामने कुछ व्यू है ऐसा। तो ये यहाँ पे गजब वाला व्यू है ना, बर्फों से पहाड़ जो है ढका हुआ है, चोटियाँ।
ये देखे गाइस, अब चल चुके हैं मौज मस्ती और कुछ सामने आदमी आ चुके हैं। ये देखिए सभी लेटे हुए हैं यहाँ पे, बाबू भैया को छोड़कर मौज मस्ती कर रहे हैं। अब मैं भी वहीं पे जाऊंगा और रील व्हील्स कुछ अपलोड करूंगा, दो चार फोटो। बाबू भैया कहीं उधर दूर है फोटो वगैरह खींच रहे हैं, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। मैं भी रेस्ट लेता हूँ अभी जाके, बाकी मंदिर आपको दिखा ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी। गाइस ये रही मंदिर की बैक साइड, जैसे कि मैंने बोला था हम इधर जाके खाना पीना करेंगे और फिलहाल हम जा रहे हैं और नीचे। स्नो और पाला मिलने की तो कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुका है, दोपहर के बाद एक समय है भी लगभग बज चुके हैं, 2 बज गए। तो फिलहाल बाबू भैया काफ़ी पीछे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे सारे में स्नो थी, ब्लैक आइस भी थी जो फिसलने वाली और नॉर्मल स्नो भी थी, और नीचे जाके बहुत ज़्यादा स्नो हमको मिल गई थी। तो अब की बार तो कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हुई अब तक, एंड व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से। पत्थर मार के, अरे भैया मुछो वाला कट करो, कॉपी करो फाइनली पेस करो, काम हो गया, काम खत्म हो गया तो फाइनली गाइस नीचे हम आ चुके हैं, खाना पीना हमारा हो गया, चाय हमारे पास थोड़ी सी, सो डिवाइड करके हमने 5 पार्ट्स में बांट लिया, और ये मूंगफली नमकीन सब चल रहा है यहाँ पे, बैठ कर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। बाबू भैया थोड़ी कॉमेडी भी कर रहे हैं बीच बीच में, अभी आपने देखा ही होगा। एंड इधर है बहुत बड़ी खाई, और ये सब जो है केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब वही एरिया है, तुंगनाथ हाँ इधर ही होगा कहीं। तो फिलहाल हमारा प्लान है यहाँ से निकलने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ सरकुंडा टेम्पल के बारे में, आपने देखा नहीं तो देख लेना, ये बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपको, देखते हैं नीचे जाके, कुछ और प्लान तो मुश्किल है अभी, तो हम डायरेक्ट घर जाएंगे, है ना, घर जाएंगे ना अब तो हम सीधा, जी जी बिल्कुल डायरेक्ट हम घर निकलेंगे देहरादून के लिए। चलो बढ़िया होंगे तो लगा दे टेलीस्कोप पर, क्या वास्ता सब है, अरे भाई साहब है तो अमरूद पर ये पिचक गए होंगे। हाँ जा मंदिर में पानी दो, मैं सामने आना, कैसी सर्दी पड़ रही है, वाह अच्छा नमक लगेगा, एक आदमी को टैप मारना पड़ेगा, अंकल बात पैक हो रहा है। Hi friends, so our trip is going to complete. So we saw the Sarkunda temple, so it was so nice. So we take some snacks with our friends. So we are going to leave now. So see, keep the place clean. So I'm going to put these things in the dustbin, because to handle to take care of the nature, so please be aware, don't put any plastic in this area. Okay, see you, bye. तो गाइस फाइनली हमारी हो गई बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Cut to Malik.
கட்டி வச்சா வட்ட கருப்பு பொட்டு வச்சா சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா சார பாம்பு இடுப்ப வச்சா நட்சத்திர தொட்டி வச்சா கரும்பு கோடு நத்தி வச்சா இஞ்சி வெட்டி கண்ணம் வச்சா இம்மா தூண்டு வெக்கம் வச்சா நெத்தி பொட்டுல தூக்கி பொட்டு போல வச்சா மல்ல சுத்துப்பட்டு உர பார்க்க கண்ணு பொட்டு வந்த மல்ல தத்து பல்லு உரத்துல குச்சி பட்டு நேரத்துல பட்டு